हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, हम सीख रहे हैं कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम जाएंगे जो वेबसाइट है आपकी www.python.org। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड में जो लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पाइथन 3.7.3 अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, यहाँ पे ये सेव कर दीजिए इसको। जब आप सेव करोगे इसको, ये सेव हो रहा है अभी। ठीक है, 40 सेकंड में ये सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद स्टूडेंट्स आपको इसको रन करना है। जब आप रन करोगे तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी बताऊँगा, ये कम्प्लीट होते ही। ओके स्टूडेंट, ये जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये कम्प्लीट हो गई है तो स्टूडेंट यहाँ पर आप रन का ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, रन करिए इसको। इसको जैसे ही आप रन करोगे स्टूडेंट, ये अब रन होगी, यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अभी जो पाइथन इंस्टॉल हो रही है वो 32 बिट के लिए हो रही है। हो सकता है आपका अगर लेटेस्ट कंप्यूटर हो तो वो 64 बिट का होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अभी पहले आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, चाहे आपका सिस्टम 32 बिट होगा तब भी। आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम बहुत ईजी वे में चलेगा और बहुत सही चलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल पाइथन जो मैंने बताया उसको 32 बिट वाला इंस्टॉल करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि यहाँ पर एड पाइथन 3.72 पाथ ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना मत भूलना स्टूडेंट। ये आपको क्लिक करना ही है, अगर आपने इस पर क्लिक नहीं किया तो आपके जो आउटपुट आएंगे वो बिल्कुल भी सही नहीं आएंगे। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एड पाइथन 3.72 पाथ, ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इंस्टॉल हो रही है पाइथन, जैसा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट करना है आपको और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही पाइथन जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पाइथन सेटअप वॉज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब पाइथन आपके सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको तो क्लोज कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि आपका सिस्टम है 64 बिट तो आपको वापस से जाना है विंडोज़ पे जाइए। यहाँ पे विंडोज़ पे जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है विंडोज़ x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ठीक है, विंडोज़ x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, इसको आपको इंस्टॉल करना है स्टूडेंट। इसको इंस्टॉल करने बाद ही आपके सिस्टम में पाइथन बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होगी स्टूडेंट आपके सिस्टम पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी सेम टू सेम वो का वही करना है आपको, वही एड पाइथन 3.72 पाथ करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है स्टूडेंट। ठीक है, जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। उसके बाद आप पाइथन कैसे चलाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। अब ये मैंने आपको बताया, अभी भी क्या करेंगे अपन, इंस्टॉल पाइथन 3.7.3 64 बिट इंस्टॉलर यहाँ से आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एड पाइथन 3.72 पाथ, इसको इंस्टॉल, इसको क्लिक करना मत भूलना स्टूडेंट। इसको क्लिक नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ये इंटरप्रेटर है 64 बिट के लिए, तो 64 बिट का इंटरप्रेटर है और 64 बिट की एग्जीक्यूटेबल फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज सब चीज़ है ये, किसके लिए, पाइथन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके सिस्टम में जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं, सब में पाइथन बहुत इजी वे में चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि पाइथन 3.7.3 64 बिट सेटअप वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पाइथन जो है कम्प्लीटली जो है इंस्टॉल हो चुकी है आपके सिस्टम में। कैसे पता लगाओगे आपके कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई या नहीं है, यहाँ पे आपके पास अगर विंडो 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडो 10 में आप यहाँ जाइए और यहाँ लिखिए आइडल, तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया आइडल पाइथन 3.7 32 बिट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओपन हो रहा है सिस्टम। ठीक है, ये आपका ओपन हो चुका है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ये आपको विंडो दिखाई दे रही है, ये इसके रन वाली विंडो है जहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा, यानी आउटपुट वाली विंडो है स्टूडेंट, लेकिन ये कोडिंग वाली विंडो नहीं है। आपको आउटपुट वाली विंडो पे अगर आपको जाना, ये आउटपुट वाली विंडो अगर आपको कोडिंग वाली विंडो पे जाना है तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल पे जाएंगे। ठीक है, न्यू फाइल पे जाएंगे तो एक और विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है स्टूडेंट, इस जगह।
ओके, यहाँ पे आपको क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो मैं यहाँ एक लिख के बता देता हूँ, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट हेलो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, इसको मैं रन करूँगा स्टूडेंट, तो फिर ये रन हो जाएगी आराम से। तो मैं यहाँ पे रन करने के लिए यहाँ पे रन का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट F5 भी दबा सकता हूँ। तो मैंने F5 दबाया, तो F5 दबाते ही ये बोलेगा कि आपको जो सोर्स जो आपने लिखा है, जो यहाँ पे कोडिंग लिखी है, उसको सेव करना ज़रूरी है। अगर आपने सेव नहीं किया स्टूडेंट तो वो रन नहीं होगी। तो पहले सेव अपने आप ही हो जाएगा, ये सेव ओके करिए। आप जहाँ भी आपको फाइल को, आपकी फ़ाइल को सेव करना है, आप सेव कर दीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये पाइथन इंस्टॉल हुई है, यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया मैंने कॉन्सेप्ट नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने फाइल को सेव कर दिया प्रोग्राम फर्स्ट के नाम से। तो ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब जैसे मैंने फाइल को सेव किया, तो इसने अपने आप ही उस जो विंडो स्टार्टिंग में ओपन हुई थी उसी पे हेलो वाला आउटपुट बता दिया। तो यही होता है स्टूडेंट इसके अंदर, क्या इस तरह से इंस्टॉल होगा। आपने इंस्टॉलिंग अच्छे से सीख ली है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो। फिर मैं आपको अब प्रोग्राम्स सिखाऊंगा कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या और वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक एक वेरिएबल, एक एक डेटा टाइप्स आपके सिलेबस में जो है वो सब हम पढ़ेंगे, और साथ के साथ आपके जो है प्रोग्राम, जो भी जितने प्रोग्राम्स हैं आपके CBSE की बुक में और CBSE के सिलेबस के अंदर, वो सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे यहाँ पर। तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।